आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी नवरात्रि बोलो। नवरी नहीं नवरात्रि बोलो। अच्छा से सही से बोलो। इसको भी नवरात्रि बोलने नहीं आ रहा है, उलट उलट कुछ भी बोल रहा है। ये कल शाम का वीडियो है और शाम को मैच दे रहा था तो देख सकते हैं सब लोग मैच बैठ के देख रहे थे। ज्ञान तो बहुत ही फैन है मैच का और रात के बज रहे हैं 10:30 और बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है कब इंडिया जीतेगा। जीत गया, जीत गया। जीत गया, जीत गया, जीत गया, इंडिया जीत गया, इंडिया गया। तो इंडिया जीत गया और बहुत ज्ञान खुश हुआ था। तो ये अगला दिन का वीडियो है। तो सुबह को उठ गए थे क्योंकि आज नवरात्रि है और ज्ञान अभी सोया हुआ था तो हम लोग सवेरे जग गए थे क्योंकि नवरात्रि के दिन सुबह में ही सब लोग जग कर साफ़ सफाई करते हैं, घर की साफ़ सफाई, उसके बाद घर का खाना पीना बनाते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं उसके बाद। तो ज्ञान अभी सोया था इसलिए हम लोग उठकर पूजा पाठ, हमारी पूजा पाठ हो गई है। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और ज्ञान यहाँ पे अभी गाड़ी चला रहा है। तो आज है नवरात्रि का दिन, तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। माता रानी सबके घर में खुशियाँ दे, हमारे बच्चे के जीवन में भी खुशियाँ दे। तो आज मतलब कि थोड़ा सा सुबह से हम लोग बिजी थे क्योंकि पूजा पाठ का समय है तो हो जाता है कुछ इधर उधर का काम वगैरह, सब कुछ तैयारी हमें अकेले करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान को, यहाँ पे देख सकते हैं ज्ञान को। हाय करो ज्ञान, बोलो सबको हैप्पी नवरात्रि, बोलो। इधर इधर, तुम किधर भाग रहा है? इधर बोलो, बोलो इधर बोलो। तो अभी ज्ञान अपना गाड़ी चलाने में व्यस्त है और आज पूजा भी किया था ज्ञान, तो उस समय हम सूट नहीं किए थे सुबह सुबह। तो आज कुछ ज्ञान के लिए कुछ स्पेशल बनाने जा रहे हैं, कुछ स्पेशल डिश जो बहुत ही हेल्दी और ब्रेकफास्ट में बहुत ही टेस्टी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी अपने बच्चे को दीजिए। मैं तो ज्ञान को देती हूँ, ज्ञान को इतना पसंद है जो हम लोग मार्केट वाला सेरेलेक वगैरह देते हैं या फिर बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी बनने वाला ब्रेकफास्ट है। सुबह के टाइम में आप दीजिए, बहुत ही विटामिन और प्रोटीन से भरपूर, बहुत ही हेल्दी और आपके बच्चे को पसंद भी आएगा। तो आप बना कर खिलाइए अपने बच्चे को। मेरे बाबू को तो बहुत पसंद आता है तो मैंने सोचा मैं शेयर करूँ ताकि आप लोगों को भी कुछ हेल्प हो सके और आप भी खिला सके। और सुबह में जैसे कि हम मॉम लोग बहुत बिजी रहते हैं और वो ब्रेकफास्ट जो है बहुत आसानी से बन जाता है। तो चलिए देखते हैं हम ज्ञान को क्या खिलाते हैं। और अभी सुबह का बज रहा है 7 और पूजा पाठ तो हम 6 बजे ही कर लिए थे और सवेरे जग गए थे तो आज सोचे थे कि सवेरे खाना बना लेते हैं। तो आज सवेरे चावल भी बना रहे थे और सब्जी रोटी सब बना लेंगे एक बार, क्योंकि एक बार बना लेने से ना थोड़ा सा मतलब कि फ्री लगता है कुछ काम अगर वगैरह। नवरात्रि का त्यौहार है तो बहुत सारे काम है इसलिए सोचे पहले खाना बना लेते हैं। चावल भी खाने का मन था तो बना लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पत्ता गोभी था, तो यहाँ पे कचरी बनाएंगे तो बिना प्याज का, क्योंकि प्याज लहसुन तो अभी खाते नहीं हम लोग। तो बस ज्ञान सोया हुआ था इसलिए सोचे जल्दी से पहले अपना हम लोग अपना खाना भी बना लेते हैं, उसके बाद ज्ञान जगेगा तो ज्ञान का खाना बनाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम कुछ मूंग दाल का पाउडर बना कर रखे थे तो उसी का हम बना रहे हैं कचरी। तो पत्ता गोभी प्याज के जगह पर डाल रहे हैं, थोड़ा सा चावल का आटा, क्योंकि ज्ञान जब सोया रहता है तो सही से बना लेते हैं क्योंकि जग जाने के बाद हमको 2 घंटा 1 घंटा उसमें टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए सोचे जल्दी से बना लेते हैं सब कुछ। तो यहाँ पे एक हरी मिर्च डाल दिए हैं, थोड़ा सा मंगरैला और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा नमक। तो बिना प्याज का भी अच्छा ही लगता है खाने में, टेस्टी लगता है, अगर पत्ता गोभी हो तो सही लगता है। थोड़ा सा हल्दी डाल दिए, थोड़ा सा ऑयल डालकर फिर हम इसे फ्राई कर लेते हैं तो बहुत ही जल्दी झटपट बन जाता है। तो ये कुछ गुलाब जामुन है जो हम कल बनाए थे और इंडिया का जो जीत का खुशी में मुझे लग रहा था कि ज्ञान को देंगे तो बहुत खुश हो जाएगा, तो इंडिया के जीतने के बाद हम बना कर रख दिए थे सरप्राइज़। जब इंडिया जीत गया था तो फिर ज्ञान को दिए, बहुत खुश था। ज्ञान को ना बहुत मतलब कि मैच में बहुत इंटरेस्ट है, इधर से पहले नहीं देखता था लेकिन इधर से इतना इंटरेस्ट है उसे, तो बहुत ही मतलब हर मैच देखता है। उसके साथ हम लोग भी बैठ कर देखते हैं, सब लोग खुशी मनाते हैं, चलो जो भी है।
तो यहाँ पे आया आलू को बॉईल कर लिए थे, तो बिना लहसुन प्याज का हम बना रहे हैं। तो देख सकते हैं पहले ऑयल में आलू को भून लिए हैं अच्छी तरह से, उसके बाद सारे मसाले डालकर भून लेते हैं और फिर टमाटर भी डाल देते हैं। तो बस प्याज लहसुन जब नहीं पड़ता है तो बहुत ही झटपट बन जाता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह भूनते नहीं हैं। तो इस तरीके से आलू में ही सारे मसाले को भून कर, गोभी को तो हम 70% पहले ही भून लिए थे तो अभी डाल देते हैं। उसके बाद फिर पानी ग्रेवी डालकर गर्म मसाला डालकर सब्जी बन जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञान के पापा कल कुछ सामान लाए थे, तो वही सामान इसमें से ज्ञान के लिए भी बहुत सारा सामान है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ज्ञान इस बार बोला था कि मुझे हॉर्लिक्स लेना है, क्योंकि बॉर्नविटा पीड़ा था, तो मैंने सोचा चलो दोनों ला देते हैं, क्योंकि एक टाइम हॉर्लिक्स भी पिला देंगे और एक टाइम बॉर्नविटा भी, अगर नहीं पिएगा तो फिर हम लोग भी तो पीते ही हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉर्न लाए हैं, कॉर्नफ्लेक्स, तो ये एक चॉकलेट वाला आता है, तो ज्ञान को चॉकलेट वाला नहीं पसंद आता है, तो ये वाला हम लाए थे, एक बार खुद अपने लिए लाए थे तो ज्ञान को भी टेस्ट कराए थे, तो ज्ञान को बहुत पसंद आया था, तब से हम ज्ञान को देने लगे हैं। और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मतलब कि ईजी से बन जाता है। और ये मैरी गोल्ड बिस्किट ज्ञान को हम देते हैं, और ये कुछ फनाइल्स का गोली है जो मतलब कि हम कपड़े स्टोर करते हैं अलमीरार में, तो वो रख देते हैं कपड़े के साथ, तो कपड़े में जो अजीब सी स्मेल रहती है ना वो सब नहीं आती, अच्छी स्मेल आती है। तो ये कुछ ऑयल है, ये नारियल का ऑयल है जो ज्ञान के लिए मंगवाते हैं, ज्ञान को हम बॉडी में मसाज करते हैं, ज़्यादा पाउडर का मसाज करते हैं, कभी कभी नारियल तेल लगा देते हैं। ठंड के मौसम में हम सरसों तेल यूज करते हैं, लेकिन अभी हम ज्ञान को नारियल तेल ही यूज करते हैं। तो ये सब राशन लाने के बाद फिर ज्ञान के पापा बोले थे सारा मिला लेना है, तो वही मैं मिला रही थी, क्योंकि फिर बाबू को जग जाने के बाद ये सब टाइम नहीं मिलता है, तो उधर मैं सब्जी चढ़ाकर उसके बाद ये सब मिला ली हूँ। तो अब आ गए हम ज्ञान का ये बनाने के लिए। तो ये कॉर्नफ्लेक्स बहुत ही इजी और जल्दी बन जाता है, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। तो आप इसमें फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जो भी फ्रूट्स हो, लेकिन मैं एक बार में एक ही फ्रूट्स डालती हूँ, कभी कभी मैं एप्पल भी डाल देती हूँ, लेकिन बनाना का फ्लेवर ज्ञान को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप बच्चे के उम्र के अनुसार ही लें, क्योंकि जितना साइज़ का बच्चा है, क्योंकि ये सारे ड्राई फ्रूट्स गर्म होते हैं, तो जितना मतलब दो से ज़्यादा ना लें, क्योंकि अगर रेगुलर दे रहे हैं तो कम ही लें, क्योंकि अगर रेगुलर देते हैं तो एक से दो बादाम एलमंड्स जो भी है सब बहुत है, और ज़्यादा नहीं देना चाहिए। और ये बनाना भी बहुत बड़ा है, छोटा वाला रहता है तो मैं एक देती हूँ, लेकिन ये मैं हाफ़ ही दूँगी ज्ञान को। और अगर बच्चा आपका ज़्यादा छोटा है तो और कम कर दे क्वान्टिटी, क्योंकि ये सब गर्म चीज़ अगर रेगुलर दे रहे हैं तो कम करके ही दे, अगर सप्ताह में एक या दो दे रहे हैं तो दो से तीन चलेगा। तो मैं ज्ञान को बस यही देती हूँ, दो एमंड, दो पिस्ता बादाम, और ये एक अखरोट है, और ये किशमिश है, चार काजू लिए हैं। बनाना हम हाफ करेंगे, क्योंकि हाफ बनाना देंगे, ज़्यादा बड़ा बनाना है क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, तो ये फल जो होते हैं हमारे बच्चे के लिए ज़्यादा मतलब ज़्यादा खिला दो तो लार का प्रॉब्लम होने लगती है, तो ये सब देखते हुए देना पड़ता है। तो अभी ज्ञान को हाफ ही देंगे, और कभी कभी एप्पल भी डाल देते हैं, अगर एप्पल डालना चाहते हैं, एक साथ में दो फ्रूट्स नहीं डालती हूँ, बस एक ही डालती हूँ। एप्पल अगर डालते हैं तो उसे हल्का सा स्टीम करके डालें, क्योंकि या फिर कच्चा भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं आप, लेकिन फ्लेवर थोड़ा सा कच्चापन आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा स्टीम करके अगर डालते हैं तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो देख सकते हैं मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लिया है अच्छे से, और क्योंकि इसे मिक्स कर लेते हैं ना तो ये सही रहता है, और क्योंकि खड़ा अगर डालते हैं तो हमारा बच्चा जो है चबा नहीं पाता है, तो सब चीज़ को हम कूट लिया। तो आप पाउडर बनाकर रख ले, मैं पाउडर बनाकर रखती हूँ बाबू के लिए, तो मैं प्रोटीन पाउडर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं किस तरीके से पाउडर बनाती हूँ। तभी हमारे पास पाउडर नहीं था तो मैं बस इसे कूट ली थी, तो बस सबको डाल दिए हैं दूध में, और दूध को बॉयल कर लिए थे, उसके बाद हम चूल्हे को ऑफ कर दिए, उसके बाद हम डाले हैं कॉर्नफ्लेक्स, और उसके बाद एक हाफ बनाना लिए हैं, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि ये कांटे वाला चम्मच से बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है, मतलब पीसने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ही मिक्स कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा ऐसे भी खाना चाहता है तो ऐसे भी इसे चम्मच से मिक्स करके आप बच्चे को खिला सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसी मिल्क में इसे मिला देंगे सभी चीज़ों को, और थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाता है बनाना डालने के बाद, जो बच्चे का जो सेरेलेक्स हम बनाते थे बचपन में बच्चे के लिए, बिल्कुल उसी तरह से गाढ़ापन हो जाता है। तो अगर बच्चा आपका पतला या गाढ़ा जैसा भी खाता है उस तरीके से बनाएं, और बच्चे के एज के अनुसार ही दें, क्वान्टिटी कम ज़्यादा बच्चे के एज के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि मेरा बाबू तो अब ये सब खा लेता है, एक बनाना मैं देती हूँ बाबू को, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसलिए हाफ कर दिए हैं, और अभी बरसात का भी मौसम है इसलिए। और एक साथ दो फ्रूट्स हम नहीं मिलाते हैं, मिला भी सकते हैं हम नहीं मिलाते, बस एक ही फ्रूट देते हैं, कभी चेंज कर करके देते हैं, एप्पल मिलाते हैं या फिर बनाना मिलाते हैं। एप्पल का फ्लेवर ज्ञान को
थोड़ा कम पसंद पड़ता है बनाना वाला ज़्यादा, तो ये देख सकते हैं बहुत ही झटपट। अगर आप प्रोटीन पाउडर बना कर रखते हैं पहले से तो और भी ईजी हो जाता है, बस दूध को बॉयल करना है, उसके बाद चूल्हे के फ्लेम को ऑफ करना है, उसके बाद हम डालकर सभी चीज़ों को जो मिक्स किए हुआ पाउडर। और अगर आपको बच्चे को मीठा पसंद है, बिना मीठा का नहीं खा सकता है, तो आप हल्का सा शुगर डाल सकते हैं या फिर गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ज्ञान को भी मैं हल्का सा शुगर डाल देती हूँ क्योंकि हल्का मीठा होता है तभी खाता है। तो बस इसे निकालने के बाद इस तरीके से बना लेते हैं, उसके बाद इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखना होता है, बिल्कुल भी ओपन नहीं खोलना है। तो मेरे पास ये हॉर्लिक्स का डब्बा था तो मैं इसमें ही रखती हूँ ज्ञान के लिए। तो इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है ज्ञान का। तो कैसी लगी आप सबको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।